चलिए 2 मिनट में 2 नंबर पक्का वाले सीरीज में ये क्वेश्चन आया है ना, टीगो का क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है ना, मतलब एग्जाम लेने वाला एकदम दरोगा लोगों को वैल्यू नहीं दे रहा है जी, पूरा है कि तुमको ये सब भी नहीं आता और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये भी बहुत लोगों को नहीं आता है ना। तो देखिए मैं अपने प्लेलिस्ट में है ना ट्रिगो का वो वीडियो डाल चुका हूँ है ना, जिसमें उसमें थंबनेल में लिखा हुआ है कि ट्रिगो जिसको कुछ नहीं आता वो भी सीख सकता है, और वही एक वीडियो से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है ना। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जिनको ट्रिगो नहीं आता उनको अगर एग्जाम में बनाना हो तो सबसे पहले त्रिभुज को समझना होगा, और समकोण त्रिभुज से के द्वारा ही यह एंगल डिसाइड होगा है ना। समकोण त्रिभुज में अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है थीटा, तो इसके थीटा के सामने वाले कोण को हम लोग हमेशा है ना लंब बोलते हैं है ना। यहाँ लंब के जगह जो यूज किया गया वर्ड कोण के सामने वाली भुजा, यानी कोण के सामने वाली भुजा ये लंब है। अच्छा, इसके जो बगल में है इसको आसन्न भुजा कहा जाता है, आधार, आ से आधार, आ से आसन्न भुजा है ना, ठीक है। और ये वाला जो है 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण है, महाभारत वाले कर्ण है ना। यानी कि आपको एक ही चीज़ याद रखना है, क्या याद रखना है कि कोण के सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं और आसन्न भुजा को आधार बोलते हैं कर्ण। हो सकता है कि एग्जाम में ऐसे करके दे दे है ना। तो पहला क्या है, कोणों के सामने वाले भुजा बटे कर्ण। तो देखिए कोण के सामने वाला भुजा यानी कि लंब बटा कर्ण, तो आप लोग बचपन में हिंदी मीडियम वाले पढ़े होंगे लाल बटा कक्का, बार बार मास्टर साहब पढ़ाते होंगे, वही चीज को पूछा गया है कंसेप्ट के द्वारा। ला से लंब, का से कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो सबसे पहला आता है साइन, फिर उसके बाद आता है कॉस, और उसके बाद क्या आता है टैन आता है ना। तो कोनों के सामने वाली भुजा क्या है, लाल, ला बाई का कर्ण, यानी कि ये किससे मिलेगा, सेकेंड नंबर साइन थीटा से। कोनों के आसन्न भुजा, देखिए लाल में आ है, आ आ आ ला आ, आ बटा फिर का है, तो आ बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार को क्या बोले हैं आसन्न भुजा, आसन्न भुजा बटा कर्ण, तो ये हो गया क्या कॉस थीटा। अब देखिए ऐसा है कि इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो कर्ण कर्ण कैंसिल हो जाएगा है ना, या लंब बटा आधार भी बोल सकते हैं, लंब बटा क्या आधार। तो देखिए सामने वाली भुजा को ऑलरेडी आप लंब बोले हैं और कोण के आसन भुजा को क्या बोले हैं आधार बोले, तो लंब बटा आधार ये क्या है बच गया, ऐसे भी वो क्या हो जाएगा टैन थीटा। तो देखो जी इतना आसान जो बचपन की जो बातें थी इसको पूछा जा रहा है, एकदम वैल्यू नहीं दे रहा एग्जामिनर है ना। तो अब किसी भी भाषा में पूछा जाएगा तो आप चीज़ों को देख लेंगे है ना, ठीक। अब देखिए एक एक बार फिर से पूछा गया लास्ट ईयर ही, संख्याओं को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प चुनिए है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओ वन, टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ओ वन। देखो ये वाला जो है ना बिहार के गांव गांव में ये लोग फॉर्मूला जानता है, बोलता है कि त्रिकोणमिति आता है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, और सब लोग दिमाग में एक याद रखता है जी। तो ये तो बात सही है, हमको लगता है कोई भी लड़का गड़बड़ नहीं करेगा है ना। दूसरा बात है टेन स्क्वायर थीटा प्लस एक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर, तो ये गलत है ना। इसके लिए फॉर्मूला हम लोगों को हाई स्कूल में सर पढ़ाए थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और क्या होता है वन होता है, क्या होता है वन होता है ना। अगला बार हो सकता है उलट पुलट के पूछ दे, सेक स्क्वायर थीटा और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी ध्यान में रखिएगा, सेक थीटा और रूट ओवर चल जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बिल्कुल सही है। अच्छा इन सब का बेसिक अगर चाहिए, प्रूफ चाहिए, तो वो छोटी मोटी जो आपका जो छोटा जो वीडियो प्लेलिस्ट में डाले हैं ना वो प्लेलिस्ट को जाकर आप देख लें है ना, आपको बिल्कुल जीरो से सही हो जाएगा, उतना नीचे तक कोई नहीं गया होगा है ना, जितना नीचे से उसमें बताएं। तो देखो वन और टू केवल सही किसमें है, इसमें है ना। और भी लेते हैं फॉर्मूला, मान लेते हैं कि इस साल आने का आसार है, मान लेते हैं कि ये पिछली बार से ये पूछ लिया, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर ये सब एक दो फॉर्मूला पूछ दे तो क्या होगा, तो साइन टू थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा नहीं, साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस टू थीटा और क्या होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन है ना, और वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा है ना, दो फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला भी होता है, तो आते हैं उस पर। टेन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू टेन थीटा बटे वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा है ना। अच्छा बालक समझिएगा चीजों को, साइन टू थीटा को टेन थीटा के भी रूप में एक फॉर्मूला आता है टू टेन थीटा बटे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है टेन के फॉर्म वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस
टेन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो प्लस वाला टेन स्क्वायर थीटा खत्म हो जाएगा और आएगा क्या माइनस में, किस में आएगा माइनस में। तो इस साल के लिए VVI है, अगर थोड़ा सा लेवल बढ़ा के भी फॉर्मूला पूछेगा है ना तो इतना ही तक पूछेगा, और भी चीज़ों में जानकारी है तो तीसरा बार बोल रहे हैं कि प्लेलिस्ट में ट्रिग्नोमेट्री देख लें, जिसको कुछ नहीं आता वो सीख जाएगा। चलिए